संसार की चाहना करना ही दुख है। अरे भाई मैं समथिंग इन 20-25 दिनों में 8000 बच्चों से मिल चुका हूं, 8000 बच्चों से, युवाओं से मैंने वार्ता की है। आज सुबह भी एक इंस्टीट्यूट में हम गए जहां पर मेरी उम्र के ही सैकड़ों छात्र, कोई टीचर की, कोई पटवारी की, कोई कौन सी नौकरी की तैयारी कर रहा है। तो 400-500 युवाओं से आज सुबह मेरी एक घंटे वार्ता हुई, एक घंटे में उनसे मिला, सबको भगवत गीता भेंट करके आया, सबको भागवत गीता पढ़ने का संकल्प दिला के आया। 400 बच्चे, 300 बच्चे समथिंग रहे, और मैं उनसे जाके क्या पूछता हूं पता है? सीक्रेट है, आपको भी बताता हूं। घर में 4 साल का 5 साल का बच्चा होता है, छोटे से 5 रुपए खिलौने के लिए वो रोता है। रोता कि नहीं रोता देखते हैं, मम्मी मम्मी दिलाओ ना, पापा पापा दिलाओ ना। अब मम्मी पापा को पता है 5 रुपए का खिलौना है, दिलाएंगे थोड़ी देर बाद में टूट जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। पर वो बच्चा जिद करता है तो माँ बाप को दिलाना पड़ता है कि नहीं पड़ता? पता है कि ये बेकार नाशवान है, अभी थोड़ी देर में टूट जाएगा, कुछ लाभ नहीं है, समय खराब होगा। फिर भी बच्चा जिद करता है तो माँ बाप देते कि नहीं देते? भाई देते हैं। और जब उस बच्चे को वो खिलौना मिल जाता है तब उसके चेहरे की चमक देखो, उसकी आंखों में वो खुशी देखो, वो इतना राजी हो जाता है 5 रुपए के खिलौने को पाकर के, मानो दुनिया की सारी खुशी उसे मिल गई है कि नहीं? वो बच्चा इतना राजी हो जाता है। अब वही 5 साल का बच्चा जब 25 साल का हो जाता है, वही बचपन का खिलौना जिसके लिए वो कभी रोता था तड़पता था, वो उस बच्चे को ला करके दो कि ले ये तेरी सबसे फेवरेट चीज है, क्या वो उसे खेलेगा? लेगा क्या भाई? क्यों? कभी तो रोता था इस खिलौने के लिए, आज नहीं ले रहा है, क्यों? कहां फर्क आ गया? फर्क कहां पड़ गया बोलो ना? फर्क पड़ गया बुद्धि में, बुद्धि का विकास हो, अब मेच्योर हो गया, अब वो थोड़ा बड़ा हो गया, वो इतना समझदार हो गया कि वो ये समझने लग गया कि ये 5 रुपए का खिलौना है, बेकार की चीज है, अपने काम की चीज नहीं है। पर उसकी बुद्धि कितनी मेच्योर हुई है, कितनी बुद्धि बड़ी है, बोले अब उसको सुख दिखाई देता है ब्याह में, शादी हो। एक छोटे से बच्चे को मैंने पूछा कि तू बड़ा होकर क्या बनेगा? बोले महाराज मैं तो बीन बनूंगा। मैंने कहा हुआ छोटे से बच्चे को खिलौने से बड़ा प्रेम। अब वो 25 साल का युवा हो गया, अब उसको क्या दिख रहा है? अब उसको दिख रहा है कि मेरा ब्याह हो जाए तो खुश हो जाऊं, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया ब्रांडेड मोबाइल हो, बढ़िया मकान हो, बढ़िया कोई नौकरी लग जाए, बढ़िया कोई छोकरी आ जाए तो मैं खुश हो जाऊं। अब उसकी चाहना बढ़ गई, अब उसकी बुद्धि इतनी बढ़ी कि वो संसारिक इन चीजों की चाहना करने लगा। पर जो महापुरुष सत्संग करके, महापुरुषों का संग करके, ग्रंथों का अध्ययन करके थोड़ा और आगे बढ़ जाता है तो उसका लेवल और बड़ा हो जाता है। फिर उसको ये पता पड़ जाता है कि ये मिट्टी का मकान, ये गाड़ी, बंगला, बेटा, पोता, ये उस मिट्टी के खिलौने के जैसा ही है। जैसा उस बच्चे को वो मिट्टी का खिलौना लगता था, आज आपको बेटे पोते घर भी वैसा ही लग रहा है। और जब आपको वृद्ध अवस्था आएगी, यमराज सिराने आकर खड़ा हो जाएगा, तब जाकर आपको ज्ञान होगा, अरे जिन चीजों के लिए मैं व्यर्थ में गधे की तरह, पशु की तरह खाटता रहा, रोता रहा, ये तो सब यही के हैं, सब नकली है। ये ज्ञान कब होता है? अंत में होता है।